ऐसे होता है, लेकिन इस साल बहुत डिफरेंट है। बहुत मज़ा आया देख के, ऐसे हमें पता भी चला अपने कल्चर के बारे में। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था बच्चों के लिए स्पेशली। बहुत अच्छा लग रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, मौसम भी मतलब काफ़ी अच्छा हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये लगता है कि हर साल होना चाहिए। लॉकडाउन में पहले बहुत सारे लोग घर में रहे, इनको एक मौका मिला कि बाहर आने का। बहुत मज़ा आया, सुबह से हम आए हुए हैं और यहाँ पे थके भी नहीं। बर्ड शो भी देखा, काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स थे, वो भी बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा सबको देखकर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ चैनल से मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसुम अजमल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जिलानी पार्क में। जश्न बहारा का फेस्टिवल अपने अरूज पर है, छुट्टी का दिन है और मौसम खुशगवार है। शहरी रुख कर रहे हैं जिलानी पार्क की तरफ, और फेस्टिवल को कैसे वो इन्जॉय कर रहे हैं चलते हैं उनकी जानिब, बरसी पर लेते हैं उनकी राय। मुझे ये बताओ कि आपको इतना यहाँ पे जो इवेंट हुआ है जश्न बहारा, कैसे लगा फेस्टिवल? बहुत मज़ा आया, सुबह से हम आए हुए हैं और यहाँ पे थके भी नहीं। बर्ड शो भी देखा, काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स थे, वो भी बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा सबको देखकर। आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सितारा। मुझे ये बताओ, यहाँ पे इतना अच्छा एक जश्न बहारा का इवेंट हो रहा है, आपको कैसा लगे? बहुत मज़ा आ रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा है, हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं ज्वेलरी के, बुक्स के, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कुछ खरीदा? जी, एक नेल पेंट लिया और बस, और बहुत प्यारे प्यारे स्टॉल्स लगे थे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने यहाँ पे कुछ खाया पिया है कि बस घूम रही हो? जी खाया, स्लश खाया, लेस और जूस। ये बताएं कि इस फेस्टिवल में आप इंजॉय कर रही हैं? हाँ जी, बेशक कर रहे हैं, हमने शॉपिंग भी की है, कुछ ज्वेलरी ली है, कपड़े वगैरह भी लिए हैं, और ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए। घर में टेंशन है, परेशानियाँ बहुत हैं, लोगों को आना चाहिए, इससे परेशानियाँ कम हो जाती है, इंजॉय करते हैं इंसान। मौसम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमने तो सोचा था सुबह गर्मी ना हो, इसलिए इस वजह से अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली, बहुत अच्छा मौसम हो गया। जी नाज़रीन जी, एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, ये कुछ सुनाना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। आपका नाम? सबीहा। सबीहा, क्या सुनाना चाहती हो आप? तराना। तराना, चलो सुनाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ए मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वेरी गुड। आपका नाम? वजीहा। वजीहा, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। जी हाँ, मुझे बताओ कि आप ये फेस्टिवल में आई हो, आपको कैसा लग रहा है ये फेस्टिवल देख के, जश्न बहारा फेस्टिवल? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये लगता है कि हर साल होना चाहिए। लॉकडाउन में पहले बहुत सारे लोग घर में रहे, इनको एक मौका मिला कि बाहर आने का, तो बहुत अच्छा है। तो आप कुछ सुनाना चाहोगी? नहीं। पोइम वगैरह कुछ भी, अच्छा सा कुछ सुना दो। चलिए पोइम सुना देती हूँ। सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Thank you so much. बहुत अच्छी आपने पोइम पढ़ी। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर आई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है इस फेस्टिवल के हवाले से, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, मौसम भी मतलब काफ़ी अच्छा हो गया है, और उधर बर्ड्सों में भी गए थे और फेस्टिवल की तरफ भी गए हैं, तो काफ़ी। तो ये इन्फॉर्मेटिव लगा था बर्ड्स जो आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहती है इस हवाले से? नहीं, अच्छा किया है कि लॉकडाउन के बाद अगर इसको स्टार्ट किया है तो काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी अर्से बाद लोगों को मौका मिला बाहर आने का। जी, ये बताएं कि इस फेस्टिवल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जश्न बहारा फेस्टिवल, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो फेस्टिवल है ना, ये लाहौर में लाजमी होना चाहिए ऐसे इवेंट, इससे ब्रेन ज़रा माइंड फ्रेशमेंट मिलती है, और इससे ज़रा एक्टिविटी भी है। अभी हम मुर्गी देखने आए हैं, अभी 1.5 लाख का मुर्गा ख़रीदा भाई ने, तो शो कर रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरे मतलब स्टॉल्स लगे हुए हैं ज्वेलरी के, बुक्स के, खाने पीने के, झूले वगैरह, इसके बारे में आपने कोई ख़रीदारी की? जी, ये ना बेसिकली जो स्टॉल वगैरह लगे ना, इससे बहुत अच्छा है, इससे बिजनेस भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैंने खाड़ी में वो खदर ली है, ये वो कमालिया की खदर ली है हम लोगों ने। ये बताएं फेस्टिवल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फेस्टिवल ये लाहौरियों के लिए बड़ा बेस्ट एडवेंचर है और मज़ेदार, यहाँ पे प्रोग्राम है, शो हो रहा है और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के, चीज़ों के, ज्वेलरी के, आपने कोई खरीदारी की? जी, ज्वेलरी खरीदी है, पैन भी ली है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप मौसम के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मौसम तो बड़ा अच्छा है और इस पर गाना होना चाहिए, तो ज़रूर सुनाएं हमें गाना, ज़रूर सुनाएं। चलिए मिलकर गाना गाते हैं। कौन सा मौसम का गाना है?
चलो दसो कोई मौसम का गाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ईमान नूर। मुझे ये बताओ कि आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे आके, फेस्टिवल कैसे लग रहा है? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके, अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं, बर्ड्स का एक शो हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बर्ड्स के शो अच्छा हो रहा है, झूले अभी आपने लिए नहीं है। आप क्या कहना चाह रही हो? मैं कह रही हूँ अभी हमने ये अभी सारा देखा नहीं है, जब हम देखेंगे तो फिर बताएंगे ना। कैसा लग रहा है आपको ये जश्न बहाड़ा का इवेंट? बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है, मौसम भी इतना अच्छा। मौसम के बारे में क्या कहना चाहते हो? मौसम बहुत अच्छा हो लग रहा है, अभी हमने ट्रीज वगैरह देखे हैं, गार्डन वगैरह देखे हैं। तो कुछ सुनाना चाहते हो? जी क्या? नात सुनाओ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, अवा सल्लम अलैका या हबीबल्लाह, हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, ना इतराज़ आता चाँद सितारों अपनी रंगत पर, मेरे आँखा को देखोगे चमकना भूल जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जीशान। आप यहाँ पे किसके साथ हैं? अपनी फैमिली के साथ। मुझे ये बताएं कितना अच्छा है एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया गया जश्न बहाड़ा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम किया हुआ है, इस कोरोना के माहौल में भी बड़ी अच्छी सिक्योरिटी है, बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है अच्छे तरीके से, मतलब मैनेजमेंट ठीक है, बेस्ट है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बस बेटर है, अच्छा है। जी नाज़रीन, हम लोग मौजूद थे जिलानी पार्क में और यहाँ पर हम लोगों ने जानी अवाम की राय जश्न बहाड़ा फेस्टिवल के हवाले से। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपनी होस्ट कंसूम अजमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।